प्रदेश जनपद अमरोहा के सहायक सूचना अधिकारी को आज एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम की इस बड़ी कार्यवाही से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल एक हफ्ते पूर्व अमरोहा सूचना विभाग ने जनपद के कुछ समाचार पत्रों और न्यूज पोर्टल को चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किए थे, जो अवैध रूप से चल रहे हैं या काफी समय से बंद पड़े हुए हैं। उसी दिन से ये नोटिस प्रकरण सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर खासा वायरल भी हो रहा है। लेकिन बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सूचना अधिकारी कार्यालय पर एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी करते हुए सहायक सूचना अधिकारी भूपेंद्र कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इनके ऊपर एक पाक्षिक अखबार को नियमित करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि सहायक सूचना अधिकारी हाल ही में पड़ोसी जनपद मुरादाबाद से ट्रांसफर होकर आए हैं और आते ही नोटिस के नाम पर अवैध उगाही शुरू कर दी है, जबकि उनके अखबार के सभी अंक कार्यालय में जमा है। लेकिन इस सब के विपरीत अगर आरोपी भूपेंद्र की माने तो उसका कहना है कि जब वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो शिकायतकर्ता ने 5,000 रुपए उसके ऊपर फेंके और टीम को बुला लिया। भले ही आरोपी भूपेंद्र कितनी भी सफाई क्यों ना दे, लेकिन टीम ने उसे मौके से पकड़कर उसके पास से 5,000 रुपए बरामद कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए उसे पकड़ लेकर थाना अमरोहा देहात ले गई और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। एंटी करप्शन टीम लीडर ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित ने एक शिकायती पत्र के देते हुए कार्यवाही की मांग की थी, उसी के आधार पर उनके द्वारा सहायक सूचना अधिकारी भूपेंद्र को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और उसे गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। आपके ऊपर 5,000 का रिश्वत का आरोप है, क्या है मामला? क्या है मामला? मामला यह है कि शनिवार को जो हमारे यहाँ पे 2018 से फरवरी से अखबार बंद हुए हैं, उनको नोटिस जारी करते हुए मैंने सार्वजनिक सूचना करी थी, जिनमें जो है JPN 7 ये कुरैशी जी ने जो शिकायत करी है इनका नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि 2018 से इनका अखबार बंद है। मैंने नोटिस जारी करते हुए तो उन्होंने जो है उसका जवाब मुझे, मतलब ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ उसका जवाब इन्होंने दिया है। इन्होंने 5,000 रुपये मेरी जेब में डाले हैं, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे निकाला है, मैंने से पूछा क्या है, तो उन्होंने तुरंत बुला लिया। उनका आरोप है कि आपने 5,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। मेरी जेब में डाले हैं, उसको स्वीकार कर रहा हूँ। ये इनकी साजिश है मुझे फंसाने की, ईमानदारी की नौकरी करने का यही नतीजा है। 40,000 रुपये ये बताइए सर, जो आज आपने ट्रैप किया है उसके पीछे में थोड़ा तेजी से बताइएगा। शिकायतकर्ता श्री आशिकीन कुरैशी जो JPN 7 अखबार के संपादक हैं, अमरोहा के रहनेवासी हैं, इन्होंने मुरादाबाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई में जाकर शिकायत की थी कि उनके अखबार को नियमित करने के लिए और बंद न करने के लिए अपर जिला सूचना अधिकारी श्री भूपेंद्र कुमार द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर हम लोगों ने जो है उसकी जाँच कराई और जहाँ से पाया गया कि श्री भूपेंद्र कुमार की छवि एक भ्रष्ट अधिकारी की है और वो ऐसा एक्शन करते हैं, तो इस पर हम लोगों ने जो है आज अपनी टीम के और स्वतंत्र प्रभारों के साथ इन्हें कलेक्ट्रेट उनके कार्यालय के सामने 5,000 रुपये की शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ठीक है सर, एक मिनट शांति भाई, ये बताओ भैया, एक मिनट, जो आज आपने ट्रैप कराया है एंटी करप्शन से, क्या है पूरा मामला और क्यों कराया? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया एक समाज का चौथा स्तंभ है और इस मीडिया से, इस चौथे स्तंभ से, समाज के चौथे स्तंभ से अगर रिश्वत की डिमांड करेंगे सरकारी अधिकारी और ब्यूरोक्रेट, तो फिर एक आम आदमी का क्या होगा? अमरोहा में सहायक जिला सूचना अधिकारी भूपेंद्र सिंह जी की तैनाती हुई है अभी हाल फिलहाल में, और उन्होंने हमसे 5,000 रुपये की डिमांड की है। इन्होंने 21 तारीख में हमें एक नोटिस भेजा था दोपहर को 2 बजे, हम कलेक्ट्रेट गए थे, हमसे वहीं रिसीविंग इन्होंने कराई थी कि आपका अखबार नियमित नहीं है, बंद है, लिहाजा आप उसकी सारी प्रतियां जमा कराएं। लेकिन हम नियमानुसार सूचना विभाग में सारी प्रतियां अखबार की सूचना विभाग में जमा करा रहे थे, हमने नोटिस रिसीव किया, लेकिन जो प्रतियां नहीं थी हमने वो प्रतियां भी सारी इनको बाई हैंड सूचना विभाग में जमा करा दी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा अखबार रिकॉर्ड में नहीं लिया, फाइल में नहीं चढ़ाया। फिर उसके बाद इन्होंने हमसे डिमांड की कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपके अखबार का रिकॉर्ड पूरी तरह से नियमित रूप से कर दूंगा, इसको बंद मैं नहीं दिखाऊंगा। इन्होंने 5,000 रुपये की डिमांड की, उसके बाद हमने ट्रैप किया, हम लोगों ने एंटी करप्शन टीम से मुरादाबाद से कांटेक्ट किया और आज कलेक्ट्रेट में
रंगे हाथों इन्हें इनके 5,000 रुपये देते हुए टीम ने इनको अरेस्ट किया है। अच्छा, तो जो नियमित होना था अखबार वो साप्ताहिक था या दैनिक था? हमारा पाक्षिक अखबार है और उसकी पाक्षिक अखबार के नियमानुसार सभी कापियाँ कलेक्ट्रेट की सूचना विभाग में जमा है। बात करें तो सूचना अधिकारी की तैनाती अमरोहा में कितने दिन पहले हुई होगी? ये अभी लगभग 2-3 हफ्ते हुए हैं इनको तैनात हुए हुए, और इतनी जल्दी आते ही इन्होंने भ्रष्टाचार मचाना शुरू कर दिया। और हम ही नहीं, हमारे साथ साथ लगभग 10-15 लोगों को इन्होंने नोटिस दिया था, और वजह और रीज़न सिर्फ एक था कि मोटी कमाई करनी है पत्रकारों से और अखबार वालों से और चैनल वालों से पैसे वसूल करने। सुना है कि इनके ऊपर मुरादाबाद में भी गंभीर आरोप है। जी, मुरादाबाद में गंभीर आरोप यह है कि इन्होंने लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर और जादूगरों से प्रदर्शनी लगाने के नाम पर लगभग, ऐसा मैंने भी सुना है, 40-50 लाख रुपए ले रखे हैं, और वो भी इनसे बहुत ज्यादा परेशान। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।